वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी के साथ साथ हम पढ़ेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी में और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। प्लीज टेक केयर स्क्रीनशॉट। ये ऑटो इम्यूनिटी और ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है ये आता है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर है 8 और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आता है। तो क्या होता है जब ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को शॉर्ट में लिखते हैं एबी। तो इन एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं एंटीजेंस या पैथोजेंस, वो आएंगे हमारी बॉडी में। तो ये जो एंटीबॉडीज जो होते हैं ये सीक्रेट होते हैं सेल से, जिनको बोलते हैं बी सेल। तो इन एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, जो भी पैथोजन होता है या एंटीजन होता है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब उनको किल करते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती है जो एंटीबॉडीज जो होती है जिस ह्यूमन बॉडी में ये प्रेजेंट होती है वो उसी ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करने लगते हैं, उसी को खराब करने डैमेज करने लगते हैं। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, या उस डिजीज कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ह्यूमन बॉडी जो होते हैं इसमें एबिलिटी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें एबिलिटी होता है कौन सा एंटीजन जो होता है फॉरन होता है, कौन सा वो सेल्फ होता है, क्योंकि वो इसमें एबिलिटी रहती है। तो क्या होता है, कुछ जेनेटिक कारण की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब जीनों में कुछ प्रॉब्लम होगी डीएनए में, या कभी एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे आती है जेनेटिक फैक्टर को जो ट्रिगर करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, वो क्या करते हैं कुछ रेस्पॉन्स ऐसे कर देते हैं जो अपने ही मतलब जो सेल्स जो होते हैं उनको अटैक कर देता है। इस तरीके से अपने ही सेल्स को जो इम्यून सिस्टम जो होता है अटैक करता है उसको डैमेज करता है, उस डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। असल में क्या होता है, अगर हम देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होना चाहिए सेल्फ इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इम्यूनिटी नहीं होते हैं यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ डैमेज होता है। इसलिए जो जो टर्म जो होते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ये बहुत सारा ऐसा क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि यहाँ पे जो होती है बॉडी को ही डैमेज होता है, ना कि वो सेल्फ इम्यूनिटी में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यूनिटी जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है उससे वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी बॉडी खुद एक्टिवेशन करती है बी सेल्स और टी सेल्स को, ये लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, ये खुद इनको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो क्या एक्टिवेट होने के बाद वही बी सेल्स एंड टी सेल्स अपने ही बॉडी सेल्फ बॉडी को मतलब उन सेल्स को डैमेज कर देते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे हमने ऊपर बोला है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस ऑटो इम्यूनिटी। जेनेटिक होता है, किसी जेनेटिक मतलब किसी के पेरेंट या एंसेस्टर्स में कोई प्रॉब्लम होगी वो नीचे थ्रू डीएनए के थ्रू आएगा, उससे भी हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है या वायरल हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल जो देखेंगे जो डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, ग्रेव्स डिजीज होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, टाइप 2 डायबिटीज। तो ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, हमारे नेक के पास एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, सॉरी एक थायराइड ग्लैंड होता है हमारे नेक के पास यहाँ पे, ये बटरफ्लाई शेप पर होता है। तो यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज सीक्रेट कर देते हैं। जब वो एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी थायराइड जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होता है बटरफ्लाई शेप होता है इसको अटैक कर देते हैं। फिर जब ये डैमेज होता है, जब ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये सीक्रेशन करता है थायराइड हार्मोन ज्यादा मतलब एक्सेस, ये थायराइड हार्मोन कर देता है, उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। दूसरी जो डिजीज होता है रियोमटॉइड आर्थराइटिस जो होता है,
जैसे हमारे फिंगर ज्वाइंट्स होते हैं या ये पैरों के जो ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है उन ज्वाइंट्स में, पर्टिकुलरली फिंगर्स और फीट में। उससे क्या होता है, ये जो फिंगर्स हमारी होती है टेढ़ी, मतलब बिल्कुल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो एक मतलब ये भी एक डिजीज होता है, ऑटोइम्यून डिजीज। दूसरा जो होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ग्लूकोज जो रेगुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं होता है, मतलब वही जो होता है ग्लूकोज जो होता है उसकी रेगुलेशन कौन करता है, इंसुलिन। जब इंसुलिन अच्छे मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को ठीक रखना। जब ग्लूकोज लेवल ठीक नहीं रहता है तो वो रिजल्ट उस रिजल्ट से क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है। जब हम किसी को ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी को जब किडनी लगाते हैं या किसी का किडनी फेलियर या कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है, उस टाइम पे क्या करते हैं, दूसरे जो उसको मतलब वो टिश्यू या ऑर्गन देता है उसको बोलते हैं डोनर, और जिसको देना है वो ऑर्गन उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो क्या होता है यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन में, जो डोनर जो होता है जब ये टिश्यू मतलब या कोई ऑर्गन इस रेसिपिएंट में लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो इस डोनर के ऑर्गन या टिश्यू को क्या समझता है, फॉरेन, वो समझता है इसको फॉरेन मतलब एंटीजन जैसे समझता है इसको। तो फिर वो क्या करता है, वो अपना जो है ना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके अपने एंटीबॉडी सीक्रेट कर देते, जो डोनर का जो टिश्यू या ऑर्गन जो होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम को ये मतलब डिफरेंशिएट होना चाहिए कि कौन सा सेल है कौन सा नॉन सेल होता है, मतलब दूसरी। यहाँ पे क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है इसको, तो उससे क्या होता है उसको बहुत सारे एंटीजन सीक्रेट करके उस डोनर का जो होता है ऑर्गन या टिश्यू उसको रिजेक्ट कर देता है। कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ जगह जो होते हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे क्या होता है इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कॉर्निया होता है या हार्ट होता है, यहाँ पे जो होता है ये चीजें रिजेक्ट नहीं होती इनपे, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, जो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये ऑर्गेनल जो होते हैं यहाँ पे बी सेल जो होते हैं लिम्फोसाइट्स जो सर्कुलेट नहीं होते, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होते हैं कम चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या देखेंगे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जो इनेट होती है, अगर हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी, जैसे हम जन्म लेते हैं उस टाइम पे जो इम्यूनिटी हम साथ लेके आते हैं वही होती है इनेट, इसको क्या बोलते हैं मतलब खुद की मतलब इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं इम्यूनिटी ये मतलब पर्टिकुलर नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होती, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसका जो रेस्पॉन्स जो होता है वो रैपिड होता है। अगर हम एडाप्टिव में देखेंगे या उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी, जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीजेंस या हम बोलेंगे पैथोजेंस का अटैक होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरल अटैक हो, उस टाइम पे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड या उसको बोलते हैं एडाप्टिव। तो ये जो एडाप्टिव जो होता है ये स्पेसिफिक होती है, मतलब अगर हमारा कोई प्रीवियस अटैक हुआ है बैक्टीरिया के साथ तो उस टाइम पे उसमें वो बैक्टीरिया आगे जो फ्यूचर में जो डिजीज होगी तो उसको वो एंटीबॉडीज उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ ही होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीजन स्पेसिफिक। यहाँ पे जो रेस्पॉन्स जो होता है वो होता है स्लो, यहाँ पे टेज में रेस्पॉन्स होता है, यहाँ पे आरएस में रेस्पॉन्स होता है। जो इनेट होती है इसमें मेमोरी नहीं होती, मेमोरी मतलब जैसे हम
मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये कोविड वैक्सीन लगाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए। तो जैसे हमारा कभी फ्यूचर में अटैक हो जाए, कि कोविड का अटैक आएगा, तो ऑलरेडी हमारे पास उस चीज का एंटीबॉडीज बन चुके हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेमोरी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एंटीबॉडीज उसके खिलाफ हो गए। तो यहाँ पे जो होती है इनेट में होती है, कोई भी मेमोरी नहीं होती, लेकिन जो एडाप्टिव जो होते हैं यहाँ पे मेमोरी प्रेजेंट होती है। ये मतलब जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं वहां पे इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं चार वर्टिब्रेटस जो होते हैं वहां पे इनमें प्रेजेंट होता है। दूसरी जो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्टिव एंड पैसिव डिफरेंस क्या होता है। ये जो एक्टिव होता है ये तभी डेवलप होती है जब हमें एंटीजन का एक्सपोजर होगा, कोई भी चाहे वो बैक्टीरियल हो, वो है हो, या कोई भी माइक्रोब होगा, जब हमें वो अटैक करेगा उस टाइम पे क्या होता है, जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब जैसे हमारा अंदर कोई बैक्टीरिया है वो हो गया एंटीजन, तो जब एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सीक्रेट करेगी एंटीबॉडीज, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें वो एक्टिवेट होगा, उसकी स्टिमुलेशन होगी। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो होता है इस एक्टिव इम्यूनिटी में जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी एक्टिवेशन होती है। तो इस पैसे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंटीजन की कोई भी जरूरत नहीं थी, कोई भी एक्सपोजर जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे माँ का जो जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी बनती है, तो वो एग्जाम्पल होती है इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, तो वो सीधे एक बच्चे को मिलते हैं। कोलेस्ट्रम होता है मिल्क में जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है, वहां पे कोलेस्ट्रम होता है, वहां से भी एंटीबॉडीज मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, उस टाइम पे उस जो हमारी बॉडी जो होती है उसको काम नहीं करना पड़ता है, एक्टिवेट नहीं करना पड़ा इम्यून सिस्टम को कि वो एंटीबॉडीज बनाए। तो उस तरीके का जो इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो इसलिए यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती एंटीजन का एक्सपोजर होना, तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता है, क्योंकि हमें वो रेडीमेड मिलता है, हमें वो ऑलरेडी किसी के थ्रू वो मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे पैसे जो होता है यहाँ पे कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जितने भी इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें कैसा फंक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।